अगर आप कोरियन स्किन को नोटिस करोगे तो उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा साफ होती है, उनकी स्किन के ऊपर एक अलग ही तरह का ग्लो होता है, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा अपने स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर रस से बनी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। जब भी बात आती है चावल की, तो चावल आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए ऐसा एक मैजिक का काम करता है जो आपकी स्किन को बेदाग करता है, जो आपकी स्किन के ऊपर नेचुरली ग्लो को बढ़ाने का काम करता है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को एंटी एजिंग लुक देने का काम करता है। चावल को कोई भी क्रीम में डाल दो, कोई भी जेल में डाल दो, कोई भी ऑयल में डाल दो, अगर चावल से बनी हुई चीज़ को आप यूज़ करते हो, चावल से बनी हुई प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हो, तो उसका जो आपको रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप चावल से शावर जल कैसे बना सकते हो जो आपकी पूरी बॉडी पे ग्लो बढ़ाने का काम करेगा, आपके स्किन के ऊपर जो अनइवन टोन है उसको साफ करेगा और आपकी स्किन को लाइट बनाएगा। चावल में से शावर जेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए अच्छी क्वालिटी के चावल। चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लो, चावल के अंदर पानी डाल के एटलीस्ट उसको 12 से 15 घंटे तक भिगा दो। अगर गर्मियों का मौसम है तो इसका फ्रिज में स्टोर करें, अगर आप ठंडी का मौसम है तो इसका बाहर भी स्टोर कर सकते हो। 12 से 15 घंटे के बाद आप नोटिस करोगे कि जो भी आपके चावल थे वो फूल चुके होंगे, तो आपको इस चावल को पानी के साथ ही मिक्सी के अंदर पीस लेना है। चावल को पीसने के बाद हम इसको फिल्टर करेंगे, क्योंकि हमें जरूरत है चावल की मिल्क की। इसी तरह से आप चावल की मिल्क को अलग कर लो और इस मिल्क को हम यूज करेंगे शावर जेल बनाने के लिए। सबसे पहले हम ऐड करेंगे चावल का मिल्क, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लिक्विड सोप बेस। आपको यहाँ पे ऐसा लिक्विड सोप बेस लेना है जो नॉन केमिकल हो, जो नॉन एसिडियस हो और जो पैराबिन फ्री हो। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। जब पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इस तरह से गाढ़ा दिखना स्टार्ट होगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुमकुम आदि तेलम। अगर आपके पास कुमकुम आदि तेलम नहीं है तो आप कोई भी स्किन वाइटिंग ऑयल या फिर कोई भी स्किन वाइटिंग जेल यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लो। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टर्मरिक। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। अगेन हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे विट जर्मा ऑयल। अगेन हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको इसको तब तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है जो भी आपने चीज़ें इसके अंदर ऐड करी थी वो एक जान हो जाए। और ये फाइनली आपका शावर जेल बनके रेडी है। ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। जिस तरह से नॉर्मल शावर जेल को यूज करते हो उसी तरह से आपको इसको यूज करना है। इवन आप इस शावर जेल को अपने फेस के ऊपर एज अ फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हो। हमने इसके अंदर ऐड किया विटजर्मा ऑयल, जिसके अंदर होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है विटामिन B6, फॉलिक एसिड, जो हमारी स्किन को एंटी एजिंग का लुक देते हैं, जो हमारी स्किन को एक मॉइस्चर प्रदान करते हैं। हमने इसके अंदर ऐड किया टर्मरिक और कॉफी। ये दोनों इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को साफ करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन है, जो अनइवन टोन है, उसके साफ करने का काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने इसके अंदर ऐड किया कुमकुम आदि तेलम, एक आयुर्वेद का ऐसा फॉर्मूला जो स्किन वाइटिंग का काम करता है। आपकी स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बे होते हैं तो उसको साफ करने का काम करता है। और हमारा की इंग्रेडिएंट जो है चावल मिल्क, जो आपकी स्किन से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रदान करता है और साथ ही आपकी जो स्किन है उसको सॉफ्ट बनाता है, उसके ऊपर ग्लो बढ़ाता है। इस शावर जेल को आप 3 साल के बच्चे से लेकर कोई भी बड़ी उम्र की व्यक्ति को यूज करने के लिए दे सकती हो। इसके अंदर कोई भी तरह के केमिकल्स नहीं होने की वजह से ये सभी स्किन टाइप के ऊपर इजिली सूट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।